दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आपके बीच में एक बार फिर एक लेटेस्ट मुद्दे को लेकर उपस्थित हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2023। जैसा कि आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे थे डीएलएड के संदर्भ में, तो बिल्कुल यहाँ चीज़ों को आप देख पा रहे हैं, कुछ मैंने आपके बीच में डिनोट कर रखा है और भी आपके डाउट्स थे, हम आपके बीच में ओरल तरीके से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले यहां लिखा गया है डायरेक्ट एडमिशन की पूरी सच्चाई। बिल्कुल आप सभी के सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, जो कि एकदम ट्रेंडिंग का मुद्दा बन चुका है, जो है डायरेक्ट एडमिशन, इसकी पूरी सच्चाई क्या है, क्या होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, सारी चीजों पर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यहां एक और भी चीजें आपके बीच में है, 35,000 में डीएलएड कंप्लीट एडमिशन का, ठीक है। तो 35,000 में डीएलएड कंप्लीट एडमिशन पर भी हम चर्चा करेंगे। सफल बैच मात्र 220 रुपए में, और यहां आपके लिए संपर्क माध्यम दिया जा रहा 94 52 33 53। आपके लिए ये नंबर हमेशा उपलब्ध है। मैं आप सभी से बार बार कहता हूं कि आप ज्यादातर प्रयास व्हाट्सएप का करें, ठीक है, क्योंकि अगर आप WhatsApp का प्रयोग करते हैं, आप WhatsApp पर मैसेज करते हैं, तो समय रहते हुए आपके WhatsApp का रिप्लाई ज़रूर मिलता है। हाँ, रेयर केस में आपके कॉल्स भी आते हैं, रिसीव नहीं हो पाता तो मैं कॉल बैक भी करता हूँ, लेकिन ट्राई करें कि WhatsApp का प्रयोग ज़्यादा करें। सबसे पहले यहाँ चीज़ें लिखी गई हैं, PNP का संपूर्ण आंकड़ा आप इसकी मांग कर रहे हैं। एडमिशन का अंतिम दौर इस समय चल रहा है, आज से सभी सीटें जनरल में बदल गई। 5,000 का पेमेंट कब तक करें, क्या 5,000 का जो पेमेंट आप कर रहे हैं वो रिफंडेबल है या नहीं है, और यहाँ डायरेक्ट एडमिशन होगा या नहीं। कॉलेज तो मिल गया लेकिन कॉलेज से संतुष्ट नहीं है, और भी केसेस हैं कि कुछ लोगों को कॉलेज नहीं मिला है। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों फिर से कहना चाहूँगा कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए सबसे पहले हम आपके बीच में चर्चा करते हैं 35,000 के एडमिशन पर। यह जो आपका एडमिशन हो रहा है, यह फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, आगरा के पास पड़ता है, जान लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपके डाउट्स ये हैं कि भैया ये है कहाँ फिरोजाबाद, ठीक है, तो इसलिए ये आगरा के पास पड़ रहा है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो बिल्कुल ले लीजिएगा। फीस आपको कैसे लेना है, ध्यान दीजिएगा, आप 10,000 रुपये का पेमेंट सबसे पहले आपको हर हाल में करना होगा। 10,000 का पेमेंट, चूँकि 5,000 रुपये आपका काउंसलिंग शुल्क है और 5,000 रुपए आपका जो है ये अलॉटमेंट फीस, ये तो दोनों आपको हर हाल में करना होगा। ये दोनों को करने के बाद कम से कम आपको 3 से 4 महीने का वक्त मिलेगा, ठीक है, 3 से 4 महीने का वक्त मिलेगा। आप जो है फिर अगला जो 7,500 रुपया होगा वो आप जो है फिर से, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में जो है 3-4 महीने बाद आपको करना होगा, यानी आपको पहले सेमेस्टर में 17,500 रुपये का पेमेंट करना है, फिर बच रहा है आपका अगला सेमेस्टर, ठीक है, सॉरी अगली फीस बच रही 17,500 रुपये, वो आपको जाकर थर्ड सेमेस्टर में देना होगा। हाँ, अगर आप थर्ड सेमेस्टर में 17,500 रुपये एकाएक देने के लायक नहीं हैं, या आपकी आर्थिक स्थिति नहीं है उस लायक कि आप 17,500 रुपये जो है एक मुश्त दे लीजिए, तो आपको हम जो है 2 किस्त में करवा देंगे कि आप 2 किस्त में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इतनी ज़्यादा रियायत और आपको कहीं नहीं मिलेगी, अगर आप इच्छुक हैं करने के लिए तो बिल्कुल मुझे। अच्छा, आप और भी एक्स्ट्रा चार्जेस के बारे में कह रहे थे, देखिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आपके बीच में तमाम तरह के डाउट्स हैं, हर डाउट्स को मैं क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन और भी कुछ चीज़ें हैं जो आप जानना चाहते हैं। मुझे पता है हर चीज़ इस सार्वजनिक मंच पर शेयर नहीं किया जा सकता, इसलिए आप कॉल करें, आप कॉल के माध्यम से और भी चीज़ों की डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा फीस को लेकर जो है मुद्दे बनते हैं, फीस को मैंने आपके बीच में बता ही दिया। यहाँ सफल बैच मात्र 220 रुपये में है, मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, प्लस लाइव क्लासें हैं, प्लस संपूर्ण नोट्स है। 4-4 चीज़ें हम आपके बीच में सिर्फ 220 रुपये में दे रहे हैं, जिसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, यहाँ तो इतनी चीज़ें हो गई। सफल जो है सहायता के लिए 94 52 33 53 ये नंबर है, आप इस पर भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए
हम बात करते हैं पीएनपी के संपूर्ण आंकड़े का। आप लगातार मांग कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है अलॉटमेंट रिजल्ट आपका जारी हो चुका है। जब से अलॉटमेंट रिजल्ट जारी हुआ तब से आप जो है पीएनपी के आंकड़े की मांग कर रहे हैं। अभी पीएनपी का कोई भी आंकड़ा नहीं आया है, ठीक, अस्पष्ट। आप सुनिए, मुझे इधर उधर की बातें नहीं करना है। जब पीएनपी का आंकड़ा आएगा, कितने लोगों ने एडमिशन लिया है, कितने फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है, तो सब कुछ आपको हम बताएंगे। लेकिन अभी पीएनपी का कोई भी आंकड़ा जारी नहीं हुआ है। जब तक आंकड़ा जारी नहीं होता है तब तक हम आपके बीच में इस चीज़ के बारे में शेयर नहीं कर सकते कि कितने एडमिशन हुए हैं, कितने फॉर्म रिजेक्ट हुए, क्या है, कैसे है, किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। हाँ, उम्मीद है कि कल इनका आंकड़ा जरूर आएगा, ठीक है। कल सुबह के न्यूज़पेपर में अगर आता है तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, चैनल पर आप बने रहिएगा, ठीक है। अच्छा, एडमिशन का अंतिम दौर तो आपके बीच में चल ही रहा है। आज से आपके लिए 3 दिन शेष बचा हुआ है। 9 तारीख तक फाइनली आपकी काउंसलिंग होगी। अगर यहाँ आपको एडमिशन लेना है तो आप 2 दिन के अंदर, ठीक है, आप कॉलेज कोड की मांग करते हैं, व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत है तो कॉलेज कोड आप जानना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए, समय रहते हुए मैं आपके लिए जो है कॉलेज कोड उपलब्ध करा दूंगा। चलिए, इतनी चीज़ें हो गई। अच्छा, यहाँ और आपके बीच में आ रहा है, मैंने आपको बता ही दिया एडमिशन का अंतिम दौर चल रहा है। अगर आप एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो आपके पास महज 2 दिन का समय बचा हुआ है। आज 6 तारीख आपकी बीत ही चुकी है, कल 7 और परसों 8, आपके लिए 2 दिन का समय। 5,000 जो आप काउंसलिंग शुल्क जमा करेंगे उस शुल्क के बारे में है, ठीक है। अगर आप काउंसलिंग शुल्क नहीं जमा करते हैं तो जाहिर सी बात है काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप पहले काउंसलिंग शुल्क जमा करिए, उसके बाद फाइनली आप प्रोसेस में चलिए। प्रोसेस का मतलब आप काउंसलिंग कराइए, जो भी कॉलेज आपको चाहिए उस कॉलेज को आप लॉक करिए, ठीक है। अब यहाँ आपके बीच में आ रही थी सीट को लेकर, आपकी आप लगातार कह रहे थे कि भैया हम जहाँ एडमिशन चाहते हैं वहाँ की सीटें जो है SC ST की खाली हैं, बाकी जनरल की सीटें फुल हो चुकी हैं। अब वह इंतज़ार की घड़ी आपकी समाप्त हो चुकी है। जो SC ST की सीटें थी वो जनरल में कन्वर्ट हो चुकी हैं। आज से अभी आप अलॉटेड एंड वैकेंट सीट पर जाएंगे, वहाँ से अगर चेक करें तो जो SC ST की सीटें वैकेंट दिखा रही थी ना, वो अब जनरल में कन्वर्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब आप जहाँ भी चाहें, जिस कॉलेज में चाहें, आप चेक कर लीजिए अलॉटेड एंड वैकेंट सीट पर जाकर। अगर वहाँ पर सीट खाली है किसी भी कैटेगरी की तो फाइनली आप उस कॉलेज को लॉक कर दीजिए, 100% आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, उस कॉलेज के लायक आपकी मेरिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट को लॉक कर दें, पता लगा उस कॉलेज के लायक आपकी मेरिट ही ना हो तो नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, 5,000 का पेमेंट कब तक करें? मैंने बताया काउंसलिंग शुल्क के लिए आप 8 तारीख तक करेंगे, बाकी अगला अलॉटमेंट फीस के लिए जो है आप हाईएस्ट 18 तारीख तक करके एडमिशन ले लेना। ऐसा नहीं कि हम 18 तारीख को अलॉटमेंट फीस पेमेंट करें और 19 को जाकर एडमिशन ले, ये नहीं हो पाएगा। हर हाल में आपको 18 तक पेमेंट करके एडमिशन ले लेना है। 19 को जाएंगे तो आपका 10,000 डूब जाएगा, एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आप जो है हाईएस्ट 17 तारीख तक, 15 तारीख तक पेमेंट करके एडमिशन की प्रक्रिया समाप्त कर दीजिए। ये अंतिम दौर में मत चलिए कि यार चलिए होगा तो देखा जाएगा, नहीं होगा, ठीक है, इसके चक्कर में रहेंगे तो मामला सब कुछ चौपट हो जाएगा। हमने आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है, आपके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, नहीं रहेगा तो क्या होगा, होगा तो क्या होगा, सब कुछ मैंने बताया है, ठीक है। चलिए, यहाँ 5,000 के पेमेंट रिफंड के बारे में आप कह रहे थे, तो ध्यान दीजिएगा, 5,000 का जो पेमेंट है भैया आपका रिफंड नहीं होगा, ठीक है, किसी भी कीमत पर। भले ही लोग आपसे कहें कि रिफंडेबल है या नहीं है, लेकिन हमने अभी तक आपको ये नहीं कहा है कि आपका जो पेमेंट है वो रिफंड होगा। 1 रुपया अगर आप चाहें रिफंड करवा लें तो ये संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए रिफंड का चक्कर छोड़ करके बिल्कुल भी आप परेशान ना होइए। अगर आपको काउंसलिंग कराना है, फाइनली एडमिशन लेना है, तो आप पेमेंट करके एडमिशन ले लीजिए, रिफंड के चक्कर में ना रहिए। कॉलेज नहीं मिलेगा तब भी आपका रिफंड नहीं होगा किसी भी कीमत पर, ठीक है। इसलिए रिफंड का चक्कर छोड़िए, आप एडमिशन के चक्कर में आइए, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं जो सबसे ट्रेंडिंग का मुद्दा बना हुआ है, डायरेक्ट एडमिशन की पूरी सच्चाई। देखिए, आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं कि भैया डायरेक्ट एडमिशन होगा या नहीं होगा, और हम आपसे बार बार ये कह रहे हैं कि इस बार चांसेस थोड़े से कम हैं। क्यों? क्योंकि पीएनपी का जो कहना है वो कह रहे हैं कि हमने हर एक अभ्यर्थी को
मौका काउंसलिंग में दे दिया है, तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए कहीं अलग से अभ्यर्थी तो आएंगे नहीं। जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन किया, हमने सबको मौका दिया है, अब कोई अलग से मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अभी आपके पास 2 से 3 दिन का समय बचा हुआ है, आप एडमिशन की प्रक्रिया में भाग लीजिए, काउंसलिंग कराइए, आप इनके चक्कर में ना पड़िए। अब कुछ लोगों के सामने ये समस्या है, मैंने यहाँ कहा कि आप डॉक्यूमेंट्स इनके पास भेज दीजिए, 10,000 भेज दीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। ये डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, अभी इनके पास जो काउंसलिंग बची हुई है वो काउंसलिंग में आपका कॉलेज अलॉट कर देंगे, फाइनली आपको कॉलेज मिल जाएगा, है ना। इसके लिए परेशान ना होइए, लेकिन आप पता लगा काउंसलिंग ना करें, काउंसलिंग के बाद आप डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में जाएं, तो वहाँ मामला आपका फंस जाएगा। कॉलेज वाले तो पैसा ले लेंगे आपसे, है ना, लेकिन अगर पीएनपी की तरफ से आदेश नहीं जारी होता है कि डायरेक्ट एडमिशन होगा कि नहीं होगा, तो वहीं आपका मामला अटक जाएगा और फाइनली आप अधर में पड़ जाएंगे कि भैया अब हम क्या करें, मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसलिए लोग कह रहे थे कि डायरेक्ट एडमिशन में स्कॉलरशिप नहीं आती, अरे डायरेक्ट एडमिशन जब होगा तब ना। डायरेक्ट एडमिशन हालांकि जब होता है वो लीगल होता है, लीगल नहीं होता है क्योंकि वो पीएनपी ही कराती है, वो आप अपने मन से नहीं करते हैं। अब यहाँ मैं करवा दूँ आपसे, कह दूँ भैया डॉक्यूमेंट्स आप दे दीजिए, यहाँ डायरेक्ट एडमिशन आपका नहीं होगा, ये काउंसलिंग आपकी करेंगे, ये लीगल होगा। डायरेक्ट एडमिशन तब होता है जब पीएनपी कहती है तब करते हैं, अपने मन से अभी भी नहीं कर सकते। हाँ, ये मैं मानकर चलता हूँ कि आपका डॉक्यूमेंट्स सभी कॉलेज वाले ले लिए होंगे और कहे होंगे चलिए डायरेक्ट एडमिशन होगा तो कर लेंगे, नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान न होइए, ठीक है। अच्छा, और भी चीज़ें हैं इसके बारे में तो आप समझ लिए, मैं आपसे यही कहूँगा डायरेक्ट एडमिशन की सलाह मैं नहीं दूंगा, हालांकि 50% चांसेस हैं कि होगा एडमिशन, लेकिन मैं यह नहीं कहूँगा कि आप इसके चक्कर में रुके रहिए। पता लगा ना हो भैया तो सारा दारोमदार मेरे ऊपर ठोंक देंगे कि आपने ही कहा था इसलिए हम आपके कहने पर रुके थे, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसके चक्कर में रुके, ठीक है। चलिए, यहाँ कॉलेज नहीं मिला है या कॉलेज से संतुष्ट नहीं, जिनको नहीं मिला है उनके लिए तो कोई बात नहीं, काउंसलिंग चल रही उसमें आप भाग लीजिए। जिनको कॉलेज मिल गया लेकिन वो कॉलेज से संतुष्ट नहीं है तो आपको संतुष्ट होना पड़ेगा, है ना। आप रहें या ना रहें, फीस ज़्यादा है कम है उससे नहीं मतलब है। अगर आप चाहें जो राउंड चल रहा है इसमें आप पार्टिसिपेट करें तो आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए अब जो आपको मिल गया है उससे में आपको संतुष्ट रहना, चूँकि एक गलतियाँ आपने किया है। ये केसेस मेरे पास बहुत आए, भैया मुझे कॉलेज मिल गया है लेकिन हम कॉलेज से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए आपको संतुष्ट होना पड़ेगा, चाहे उनकी फीस ज़्यादा हो चाहे कम हो, अब जहां आपको मिल गया वहीं आपको संतुष्ट करना और रहना होगा, ठीक है। बाकी अदरवाइज़ आपकी मर्जी, अगर कॉलेज मिल गया है एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको इंतज़ार करना होगा डायरेक्ट एडमिशन का, अगर होता है तो यहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा, अन्यथा किस्ते में आप चाहें इस राउंड में भी काउंसलिंग करना तो ये नामुमकिन है, ठीक है। इसलिए कोई मतलब नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, जहां आपको मिल गया है वहीं आप चुपचाप जाकर करा लीजिए, इंतज़ार करेंगे तो पता लगा इंतज़ार इंतज़ार ही रह जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।